दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे बीच समंदर में एक ऐसा भारतीय जेल जहां बंद है सिर्फ एक कैदी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक कैदी बंद है इस जेल में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर जेल का वीडियो दिख रहा होगा, दीव में एक ऐसी जेल है जिसमें केवल एक कैदी रहता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी जेल में इस एक कैदी को क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। दरअसल इसके साथ एक दिलचस्प वजह है। गुजरात के एक छोर पर बसे द्वीप दीव पर इस जेल की बड़ी दिलचस्प कहानी है, और उससे भी दिलचस्प कहानी इस जेल में बंद एक कैदी की है। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए जेल के बारे में बताते हैं और उस कैदी के बारे में पूरे डिटेल में बताते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों आमतौर पर आपने देश में जेल के हालात और कैदियों की स्थिति को लेकर खूब चर्चाएं सुनी होंगी, यह भी जानते और समझते होंगे कि देश में कैदियों की संख्या ज्यादा है और जेलों में उस हिसाब से बैरक कम है। लेकिन मजेदार की बात यह है कि भारत में एक ऐसा भी जेल है जहां सिर्फ और सिर्फ एक कैदी है, जेल भी ऐसा जैसे कोई किला हो, और वो भी पानी के बीच में। दोस्तों आपको बता दें, देश के केंद्र शासित प्रदेश दीव में यह जेल स्थित है। इस जेल की भव्यता देखने लायक है। समंदर के बीच में किला नुमा यह कैदखाना बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको बता दें, किसी जमाने में यह जगह पुर्तगाल कॉलोनी के भीतर आती थी, लेकिन जेल की इमारत करीब 472 साल पुरानी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेल में सिर्फ एक ही कैदी बंद है जिसका नाम है दीपक कांजी। दोस्तों आपको बता दें, दीपक की उम्र 30 साल है। उन पर पत्नी की जहर देकर हत्या करने का आरोप है। हालांकि दीपक भी यहां ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं है। असल में दीपक के ट्रायल के बाद उन्हें किसी दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें, भारतीय सरकार लंबे समय से इस जेल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में लगा हुआ है। आप सभी लोगों को बता दें, जेल में दीपक कांजी कैदी अकेले रहते हैं और उनकी सुरक्षा में 5 सिपाही और एक जेलर की तैनात की गई है। सभी लोगों का ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में बांटा गया है। इस जेल को साल 2013 में ही बंद करने की घोषणा कर दी गई थी। कुछ साल पहले तक यहाँ 7 कैदी बंद थे, जिनमें से 2 महिलाएं भी थीं। लेकिन फिर उनमें से 4 कैदियों को गुजरात के अमरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें, अमरेली जेल दीव से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। गुजरात के तट और दीव जेल को एक पुल से जोड़ता है। 4 कैदियों के ट्रांसफर के बाद 2 कैदियों की सजा पूरी हो गई, लिहाजा वो भी रहा हो, ऐसे में अब सिर्फ दीपक कांजी ही बचे हैं। दीव जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही बताते हैं कि कैदी के लिए जेल में समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर ये तो जेल है। आंकड़े बताते हैं कि दमन और दीव में प्रत्येक कैदी पर सरकार 32,000 रुपए खर्च करती है। यह रकम दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 32,000 रुपए दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। दोस्तों खास बात यह है कि जिस बैरक में दीपक रह रहा है उसमें 20 कैदियों की जगह है। एक ही कैदी होने के कारण उसके लिए खाने का बंदोबस्त भी पड़ोस के रेस्टोरेंट से किया गया है। जेल में कुछ समय के लिए दूरदर्शन और दूसरे चैनल देखने की अनुमति दी गई है। जेल में गुजराती अखबार और मैगजीन दी जाती है, और इसके अलावा शाम 4 बजे से 6 बजे तक दीपक 2 सिपाहियों के साथ खुली हवा में टहल भी सकता है। तो दोस्तों ये सब फैसिलिटी दिया गया है जहां पर सिर्फ एक कैदी बंद है। चलिए दोस्तों ये तो हुआ एक ऐसा जेल जहां पर सिर्फ एक कैदी बंद है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं भारत में 5 सबसे बड़े जेल के नाम। नंबर 1, तिहाड़ जेल, जो कि नई दिल्ली में है। इस जेल में कम से कम 5,200 कैदियों को रखा जा सकता है। नंबर 2, यरवदा जेल, जो कि महाराष्ट्र में है। इस जेल में कम से कम 3,600 कैदियों को रखा जा सकता है। नंबर 3, पुंजल सेंट्रल जेल, जो कि चेन्नई में है। इस जेल में कम से कम 3,000 कैदी रखे जा सकते हैं। नंबर 4, नैनी जेल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इस जेल में कम से कम 2,500 कैदियों को रखे जा सकते हैं। नंबर 5, राजामुंद्री सेंट्रल जेल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस जेल में कम से कम 1,500 कैदियों को रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था भारत के 5 सबसे बड़े जेल।
दोस्तों भारतीय जेल के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।